हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या हालचाल? आई होप अच्छे होंगे। तो भाई फटाफट से आगे वीडियो को लाइक कर ले। इस वीडियो के लाइक्स का 20,000 जल्दी से अगर इसको पूरा करा दे। तो भाई सुबह आपने देखा ही था हमारे प्यारे ड्राइवर के साथ क्या हुआ। एक सपना आया बड़ा ही भयंकर, जो कि सच वाला सपना था। एक फ्यूचर का भाई वार्निंग थी, मतलब हमें अगर हमने जल्दी से उसको ठीक नहीं करा तो वो सपना हकीकत बनते ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सब कुछ रियल में ऐसे ही हो जाएगा। लॉस सैंटोस पूरा धीरे धीरे गिरना शुरू हो सकता है। अगर भाई वो ताजमहल के पैर मैंने नहीं काटे तो ताजमहल भागते भागते यहाँ पर आ जाएगा। इसलिए मेरे को ढूंढना पड़ेगा उसको, और सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा फूफी को। मेरी फूफी भाग गई भाई गैरेज में से, तो उसको फटाफट से ढूंढना पड़ेगा। बहुत सारा काम खराब हो गया। फूफी आपको पता है माइकल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो फिलहाल माइकल बेटे तो कहाँ पे जा सकता है। लेसर को बोल के रखा है, लेसर अपने काम पर लगा हुआ है। लेसर बोल रहा है बस थोड़ा टाइम दे मेरे को, इसको तो मैं नहीं जाने दूंगा कहीं भी। आपको पता है लेसर तो भाई बहुत गुस्सा होता है माइकल से आजकल, क्योंकि भाई माइकल ने ना उसको ज्यादा परेशान करके रखा है। ऊपर से उसकी भतीजे से शादी करके रखी है, माइकल से तो तब से ही परेशान है लेसर। तो फिलहाल यार चलो, जब तक वो पता लगाता है माइकल के बारे में, जब तक मैं जाता हूँ यार मिलिट्री बेस, क्योंकि मिलिट्री वाले को मेरे पास फोन आ करके रखा है। वहां पे कोई एक वीआईपी बंदा आया मुझसे मिलने के लिए। आपको पता है भाई अभी फिलहाल मैं शहर का बहुत बड़ा बंदा बन चुका हूँ। ऊपर से हम अब नॉर्मल ड्राइवर नहीं रहे, अभी हम हाई टेबल बन चुके हैं। और हाई टेबल बनने के बाद सारी गैंग्स मेरी काफी इज्जत करती है, और मुझसे तो पंगा लेने का वो कभी सोचेंगे भी नहीं। तो इसलिए कोई बहुत ही बड़ा वीआईपी बंदा मुझसे मिलिट्री बेस से मिलने के लिए आया, बोल रहा है कि मैं हाई टेबल वाले सर से मिलना चाहता हूँ। मेरे को उनका सारी चीजें पसंद है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं भी इसी में ज्वाइन करूंगा, मैं भी ड्राइवर से फेवर लिया करूंगा और फेवर करा करूंगा। तो कोई बंदा है भाई, उसको लगता है मेरा आइडिया काफी पसंद आया, तो चलो चलते हैं भाई, मिल करके आते हैं बंदे से, देखते हैं कौन वो बंदा है। तो भाई अगर तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा कर लीजिए, मैंने आपको लाइक का बता दिया है। चैनल पर न्यू तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करके उसको सब्सक्राइब कर दो। मेरे फर्स्ट चैनल को चेकआउट नहीं किया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसको चेकआउट कर लेना बाद में। तो फटाफट से पहुंचते जगह पे भाई अपना प्यारा भाई वेट कर रहा है हमारा। भाई मैं पहुंच चुका हूं अपने ससुराल में, मतलब कि हमारा प्यारा मिलिट्री बेस में। आजकल तो भाई काफी प्यारे बंदे हैं, आजकल तो लगाव हो के रखा है, मतलब कि मतलब ही नहीं भाई मिलिट्री वाले मेरे को कुछ बोलते। अभी तो वैसे कोई भी नहीं बोलेगा, जब से हमने हाई टेबल अनाउंस करी है तो पूरे शहर में ऐसा खौफ हो चुका है ड्राइवर का, क्योंकि सभी ने देख लिया कि ड्राइवर अभी सीरियस है बहुत ज्यादा, और वो एकदम से मारेगा। अब की बार मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। भाई पहले क्या होता था, मैं बंदों को मारता नहीं था, उनको छोड़ दिया करता था, माफ कर देता था, बट अब की बार कोई रूल तोड़ेगा तो मरेगा, सीधा फैसला है, सबको पता है इस चीज के बारे में। तो इसलिए भाई मरना तय है अगर बंदों ने पंगा लिया तो। फिलहाल चलिए भाई मैं जगह पहुंच चुका हूँ। लगता है बंदा काफी अमीर है यार, लिमोजीन में आया है, न्यूज वाले बंदे यहाँ पर आया है, उसको यहाँ पे फॉलो करते करते कुछ तो है भाई यहाँ पर। तो फिलहाल मेरे को चेक करना ही पड़ेगा इस चाचे को। देखो उछल उछल के कैसे ऊंचा हो गया, फोटो खींचने में लगा है, कहीं कोई सा फोटो मैं मिस ना कर दूं। अरे बेटे चमन कैसा है? तो देखो भाई नमूनों की बात करी भी नहीं और नमूने आ गए, क्या मेरे प्यारे चाचा। तो फिलहाल चलिए भाई आगे चलते हैं। तो कौन से है वो हमारे भाई लाडले? तो ये चाचा मेरे को सिक्योरिटी वाला लग रहा है, ये भी सिक्योरिटी वाले हैं। और देखो भाई मिलिट्री वाले भी चैन से नहीं बैठ रहे, देख रहे हो ये भी बंदा मिलिट्री का होकर के फोटो लेने में लगा है। अरे भाई चाचा आप भी नहीं मानते, तो ये है शायद से वो हमारे प्यारे वीआईपी गेस्ट जो कि यहाँ पर आकर के रखे। फिलहाल इस जैसी शक्ल के बंदे को मैंने ऑलरेडी देख के रखा है, बट फिलहाल भाई देखते हैं इनका नाम क्या है। हेलो सर, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, आपने बोला था कि आप मिलिट्री बेस पर मिलोगे, वैसे मैंने देख लिया आपको। फिलहाल नाम क्या है? आप तो काफी कमाल लग रहे हो, कितना पैसा आपके पास? ड्राइवर सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं पहले से आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बट अभी तो मैं आपका दीवाना हो गया जब से आपने ये रूल निकाला है। और मेरा नाम है चाचा पिस्टल, लोग मुझे प्यार से पिस्टल भाई बुलाते हैं। वाह वाह मेरे प्यारे चाचा पिस्टल, अबे इससे अच्छा तो देसी कट्टा नाम रख लेता भाई, चाचा पिस्टल। ये कौन सा नाम है और प्यार से पिस्टल बुलाते हैं इसको? हाँ दे भाई यार, एक तो हेलीकॉप्टर वाला सर पे ही घूमे जा रहा है। अरे भाई ले जाए इसको थोड़ा आगे, हमें बात करने में परेशानी हो रही है, ये बिना मिलिट्री वाला बंदा मानेगा नहीं। तो चाचा पिस्टल जी आप मेरे फैन हो, बहुत अच्छी बात है यार, मेरे को काफी खुशी हुई है। तो फिलहाल आपको कभी भी कोई भी फेवर चाहिए तो बिना टेंशन के ट्रेवर के पास आ जाना, बट एक बात है फेवर हम बाद में लेंगे जरूर, चाहे कभी भी हमें जरूरत पड़े आपको हेल्प करनी पड़ेगी। ड्राइवर मैं सब जानता हूँ, मैंने ऑलरेडी रूल चेक कर लिए, तुम टेंशन मत लो, अगर मैं फेवर लूंगा तो फेवर दूंगा भी। चलो ठीक है चाचा जी, आपको काफी अच्छी लगी बात है। तो फिलहाल चाचा जी यार देखो मेरे को निकलना पड़ेगा, पिस्टल जी मैं बाद में आकर के मिलूंगा, क्योंकि यार देखो अभी काफी काम करने, माइकल को ढूंढना है, काफी टाइम इसके ऊपर खराब नहीं कर सकता। मैं मिलूंगा मेरे भाई जी आपसे बाद में, ठीक है ना? मेरे को भी जाना है बहुत जरूरी, मैं थोड़ा भी ज्यादा इमरजेंसी फंसा हुआ है। देखो भाई सारे के सारे बंदे मिलिट्री वाले, ये भी नहीं सुधर रहे, ये भी फोटोज खींचने में लगे हुए यार। हद है भाई, मिलिट्री वालों से उम्मीद नहीं थी। मेरी प्यारी परी गाड़ी मैंने पीछे की तरफ खड़ी कर दी, तो फिलहाल भाई सामने से अपनी गाड़ी को ले लेते हैं, निकलते हैं। तब नंदे का नाम देखा, चाचा पिस्टल। भाई लगता है फेवर मुझे बुला रहा है, फेवर मतलब मेरे को लगता है फेवर देने का टाइम आ चुका है। और आपको बताइए फेवर देने में मजा बहुत आएगा, क्योंकि बंदों की फिर कमर तोड़ के मैं भी फेवर लूंगा। मुझे कुछ ग्रीन गैंग वाले बंदों ने बुलाया है, वो भी मेरे ही घर पे, बोल रहे ट्रेवर सर काफी मुसीबत में है,
घर पर आ जाइए, आपसे बातें करनी है। तो ठीक है भाई, चलते जल्दी से, ऐसा मौका नहीं छोड़ूंगा। मैं तो भाई सोच ही रहा था कब बंदे आएंगे मुझसे फेवर लेने के लिए। भाई पहुंच चुका हूं अपने घर पर, तो भाई काफी बंदे हैं भाई यहाँ पर, तो ग्रीन गैंग वालों के साथ साथ में यहाँ पे तो बाला वाले बंदे भी है। वैसे भाई देखो आपस की बात है, मैंने सभी को भाई परमिशन दे के रखे कि भाई कितने भी तुम साथ में रहो, कितने भी बिजनेस करो, इलीगल हो, कुछ भी हो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। हस ट्रेवर तक बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर हाई टेबल तक बात आई तो फिर तुम्हारा नेता मैं बनाऊंगा। और भाई हमने सेलेक्ट कर लिया है हाई टेबल का सेफ हाउस कौन सा होने वाला है। एक बार बस वो ठीक से भाई सारा काम हो जाए, मतलब कि जो लेस्टर को उसमें कमियां हैं वो पूरी हो जाए, तो मैं आपको दिखाऊंगा जल्दी से। तो फिलहाल चलिए आगे की तरफ निकलते हैं मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। बाला वालों बंदो, क्या हाल चाल है? तो भाई यहाँ पर तो बाला वाले और ग्रीन गैंग वाले दोनों ही आगे रखे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, फिलहाल भाई यहाँ पे ग्रीन गैंग वाले बंदे खड़े हुए, इनसे बातें करता हूँ। मेरे प्यारे भाई जी, आप लोगों ने मेरे को बुलाया है, हाई टेबल का ट्रेवर पहुंच चुका है, बताइए क्या फेवर चाहिए? मैं तैयार हूँ फेवर देने के लिए। ट्रेवर सर, मैं आपका ही वेट कर रहा था, बाला वाले भी हम दोनों मिलकर आपका वेट ही कर रहे थे। प्रॉब्लम ये हो गई है, हम दोनों ने मिलकर के साथ में डील करी थी, तो हम दोनों ही आपसे फेवर चाहते हैं। फेवर ये है कि हमने जो गोल्ड की डील करी थी, आप प्लीज उसको ढूंढ दीजिए। हमारे ऊपर अटैक करा कुछ बंदों ने और बहुत सारा गोल्ड लेकर के भाग गए, हम पकड़ नहीं पा रहे उन बंदों को, हमारी सालों की वो कमाई थी, प्लीज आप ढूंढ दीजिए उनको। टेंशन की तो बात ही नहीं है, हम ढूंढेंगे भाई तुम्हारा गोल्ड। तो फेवर करने का टाइम आ चुका है, बंदों को फेवर चाहिए, मैं फेवर करूंगा। तो ट्रेवर पीटी जल्दी से निकल, तो फिलहाल भाई टेंशन मत लो, आप लोग पहुंचो अपनी जगह पे, कुछ ही टाइम बाद तुमको तुम्हारा सारा सोना सही सलामत मिलने वाला है। तो जैसे ही भाई मैं इनका सोना इन तक पहुंचा दूंगा, एक इनके ऊपर मेरा कर्ज बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद मैं इनसे कभी भी फेवर मांग सकता हूँ। तो देखते हैं भाई सिचुएशन पे मांगेगा हम, तो जब काफी अच्छी सिचुएशन होगी, ऐसे नहीं फिजूल में अपना फेवर खराब कर दे। तो फिलहाल भाई इनकी बताई जगह पे चलता हूँ। इन्होंने मेरे को बताया है कि भाई एक जगह पे 2 घंटे पहले इनका सारा माल था, जहाँ पे अटैक होकर के उसको चोरी करा गया है, उस जगह पे जाकर के चेक करता हूँ और बाकी इन्फॉर्मेशन लेस्टर को देता हूँ कि लेस्टर बेटे जल्दी से बाला वालों का और ग्रीन गैंग वालों का एक साथ ही मेरे को काम करना है, तो इसीलिए मेरे को दोनों से बाद में अलग अलग टाइप से फेवर लूंगा, 2 फेवर चढ़ जाएंगे बंदों के ऊपर। भाई पहुंच चुका हूँ जगह पर, तो फिलहाल ये वाला बेस आपको याद है ग्रीन गैंग वाले बंदों का, तो यहाँ से ही सारा का सारा माल चोरी हुआ। तो फिलहाल मैं चेक कर लेता हूँ, एक बंदा सामने खड़ा होकर के सिगरेट पीने में लगा हुआ है। वाह क्या मस्त है भाई, ये देखो बंदे की ठग लाइफ आप देख रहे हो, सच में भाई चश्मा पहन लेता तो मजा आ जाता। फिलहाल भाई बस काफी इस बंदे की ठग लाइफ देख रही। चल भाई इन्फॉर्मेशन दे जल्दी से, कितने टाइम पहले कितना सोना चोरी हुआ है? बंदों की शक्ल देखी थी, कपड़े देखे थे, कुछ तो देखा होगा, बता मुझे। बंदे से बातें हो चुकी है, बंदा बोल रहा है ड्राइवर सर नहीं देख पाए, बंदों ने स्मोक बम डाला बहुत ही ज्यादा और फिर हम बेहोश हो गए, पता नहीं क्या उसमें था, बेहोश करने की दवाई थी शायद से, और उसके बाद बंदे यहाँ पर घुसे और अटैक करके सारा माल ले गए। कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं उसको ढूंढ करके निकाल लूंगा, मेरे को भाई ज्यादा टाइम उस चीज में नहीं लगने वाला। जल्दी से पहुंचते हैं और भजा करके चेक करते हैं लेस्टर से, पता कर लेते भाई कि लेस्टर पीट ही कुछ पता चला, इन्फॉर्मेशन मिली नहीं मिली। जल्दी से ये चीज भी चेक करो और ताजमहल को भी चेक करो, वो कहाँ पे मिल सकता है, और माइकल फूफा उसको पकड़ना है बहुत जरूरी भाई, क्योंकि वो नहीं पकड़ा गया तो थोड़ी प्रॉब्लम फिर देखो वो हमें दे सकता है। भाई लेस्टर से बात हो चुकी है, लेस्टर मेरे को बोलता है कि ट्रेवर एक बेस पे मैंने यहाँ से बंदों को जाते हुए देखा है, वहीं पे जा करके तो चेक कर ले फटाफट से, और फिलहाल मैं माइकल के पीछे तो लगाई हूँ, तो टेंशन मत ले, ताजमहल को हम आने नहीं देंगे, उसको पहले ही पकड़ लेंगे। तो ठीक है भाई चलो ताजमहल भी देखो, आने के लिए तैयार है लॉस सैंटोस में। भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ, सामने वाला आप हैंगर देख रहे हो, इसी वाले हैंगर में भाई काफी बंदे आए थे वहां से सीधा चोरी करने के बाद, तो यहाँ पर देखते भाई माल है या नहीं है। फिलहाल यार कैसी जगह है, कोई इलीगल जगह लग रही है मेरे को, शायद से बंदों ने कुछ यहाँ पे काम शुरू करा होगा, क्योंकि भाई देखो सभी को अभी परमिशन है, जो कुछ करना चाहते हो करो, ड्राइवर तो आपको सपोर्ट करेगा और आप लोगों को फिर ड्राइवर की बात माननी पड़ेगी अगर आप उससे हेल्प लोगे तो। फिलहाल पैसे का काम तो यहाँ पे चल रहा है, बट गोल्ड वगैरह तो मेरे को यहाँ पे नहीं दिख रहा, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, इनसे बाद में बात करूंगा, आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी सारी गाड़ियां हैं, ड्रग्स, वीट के प्लांट, पीछे भाई अपने नकली नोट बन रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हो कितनी सारी मशीन्स है, यहाँ पर नोट की वॉशिंग हो रही है, सच में भाई मजेदार काम चलने में लगा, और लो यहाँ पर तो इतने नोट छाप भी दिए इन बंदों ने। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ नमूने मजे लेने में लगे, जैसे कि आप देख रहे हो। चलो भाई फिलहाल नमूनों को इग्नोर करो, नहीं तो काफी टाइम हमारा हो जाएगा। तो भाई मेन चीज ये है कि ये मेरे को नहीं लगता ये वो जगह जहां पर मैं आया हूँ, मतलब कि ये उन बंदों काम नहीं लगता, ये कोई और बंदे है, पता कर ले तो भाई ये कौन बंदे है। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर कुछ देर पहले बहुत सारा सोना हमने देखा था, कुछ बंदे लेकर गए थे, कहाँ पर सारा माल है बताओगे? ड्राइवर सर हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बहुत सारे बंदे सोना लेकर गए थे, हमें ऐसा लगा सोना चोरी का है इसलिए हमने उसको खरीदने से मना कर दिया। कुछ बंदे आए थे, बंदों को हम नहीं जानते, बट एक बंदे को हम जानते हैं जो उनको यहाँ पे लेकर के आया, जिसका नाम है सनी, तो उस बंदे का एड्रेस हम आपको देते हैं, उससे जाकर के पता कर लीजिए। बहुत बढ़िया बात है, कोई सनी नाम का बंदा है भाई जो इनको यहाँ पे लेकर के आया था, फटाफट से चलते हैं। सनी बेटे आज तो तू नहीं बचेगा ड्राइवर के हाथ, तो फिलहाल चलिए भाई जाते हैं आराम से, बंदे को मारेगा नहीं भाई देखो, अगर प्यार से बता देगा बहुत अच्छी बात है। अपने एयरपोर्ट के पीछे एक छोटा सा गैरेज है भाई, वहीं पर हमारे सन्नी भाई ने गैरेज बना करके रखा हुआ है, बट वो इलीगल डील्स भी करवाता है लॉस सैंटोस में, तो वही इन बंदों को यहाँ पे लेकर के आया था सोना,
ताकि इनका अच्छे रेट में चला जाए। वाह भाई वाह, सच में सनी भैया जी ये आपने गड़बड़ कर दी। फिलहाल तो देखो भाई फेवर के चक्कर में जितनों को मारना पड़े मेरे को मारना पड़ेगा, क्या कर सकते, मजबूरी है भाई, देखो काम है हमारा, काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। पहुंच से आगे की तरफ पहुंचने वाला हूँ मैं, बस यहाँ से ही हम बाहर निकल जाएंगे और सनी का गैरेज भाई एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही पड़ने वाला है। भाई पहुंच चुका एयरपोर्ट के पीछे वाली भाई जो शॉप है यहीं पे गैरेज है, कस्टम से आप यहाँ पे अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करा सकते हो, बहुत ही बढ़िया जगह है। तो फिलहाल हमारा सनी यहीं पर मिलने वाला है। तो भाई यहाँ पे चार बंदे खड़े हुए जो कि प्राइवेट सिक्योरिटी वाले बंदे हैं और एक बंदा खड़ा हुआ है बीड़ी पी रहा है यहाँ पे। और मेरे प्यारे ठग लाइव वाले फूफा जी कैसे हो, देख इधर देख ले सनी, बहुत जरूरी बात करनी है नहीं तो पिटेगा, समझ रहा है भाई। सनी से बात हो चुकी है, सनी बोल रहा है ट्रेलर भाई मारना मत प्लीज, देखो ये मेरा काम है, मैं काम करता रहता हूँ, बट मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ सारा सोना फिलहाल कहाँ पर है। बंदों ने सोना अभी तक नहीं बेचा, फिलहाल सोना उन्होंने छुपा कर रख दिया एक आइलैंड पर। मैं आपको लोकेशन शेयर करता हूँ, वहीं पे जाकर के जो करना है कर लीजिए, प्लीज मेरा नाम मत लेना नहीं तो मेरे को मार देंगे बंदे। चल जा सनी बेटे तेरे को छोड़ दिया। फिलहाल यार प्यार से ही बता देना बंदे, देखो उनको पीटने में ज्यादा मजा आता है जो मेहनत करवाते हैं, जितना दौड़ाएगा उतना पीटेगा, वही वाली बात है भाई, सीधी सी बात है। बंदे जैसे देख के भाग लेते हैं ना, जितनी मेहनत करवाते हैं पकड़ने में तो उनको पीटने में आता है मजा, पहले ही रुक जाएगा तो सिंपल सी बात है। इसीलिए मैंने एक बार इससे पूछा, इसने एकदम से बता दिया, इसलिए इसको छोड़ दिया गया। फिलहाल लेस्टर को मैं एक आइलैंड पर निकल रहा हूँ, वहां पे काफी सोना होने की खबर मेरे को मिली है, अगर वहीं पर सोना मिल गया तो काम खत्म, बाला वालों का सोना मैंने ढूंढ लिया, सिंपल ही काम हो जाएगा। भाई मैं पहुंच चुका हूँ आइलैंड पर, आप देख रहे हो भाई कितने सारे बंदे यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो पता नहीं ये बंदे है कौन, यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं। भाई इतना टाइम नहीं है कि मैं इनके ऊपर टाइम वेस्ट करूंगा, फटाफट से मैं तो बंदों का भाई नेता बनाऊंगा यहाँ पे सभी को मार करके। सॉरी मेरे प्यारे भाई बट आप लोगों को मरना ही पड़ेगा क्योंकि ड्राइवर के पास इतना टाइम नहीं है। तो भाई फिलहाल ऊपर की तरफ निकलता हूँ अपने प्यारे इस आइलैंड पर, तो यहाँ पर बंदे लाए हैं भाई सोना छुपाने के लिए, ताकि इन फ्यूचर जब प्रॉब्लम दूर हो जाए तो आराम से इनको कोई ऐसा क्लाइंट मिल जाए सोने खरीद ले तो ये उसको आराम से बेच देंगे, ऐसा फिलहाल बंदों ने सोचा है। तो फिलहाल ड्राइवर ऊपर चढ़ जाओ। ओके भाई और कितना सोना, इतना सोना, इतना सारा सोना कहाँ से आ गया भाई, बाला वालों के पास और कोर्ट वाले के पास, कहीं कुछ ज्यादा बड़ी रोबरी तो नहीं करी इन बदतमीजों ने, कुछ तो गड़बड़ है भाई, सच में गड़बड़ बहुत ज्यादा है। ले चाचा चाचा जी गोली खा लीजिए, आ जाइए फटाफट से, ड्राइवर पीटी से पंगे लूगी तो मरना ही पड़ेगा। ये ले बेटे काटा, और कोई है क्या, एक चाचा पीछे खड़े हो, चाचा जी बाहर आइए बाहर आइए, इसके हार पर गोली लगी नहीं का। ये ले बेटे बहुत बढ़िया, कवर लो तो ऐसी जगह लो जहाँ पे आराम से आप लोगों का नेता बना दिया जाए। तो फिलहाल भाई अब भी और कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बंदे हो सकते हैं तो बंदों को देखो मारना ही पड़ेगा, उसके बाद ही फिर मैं यहाँ से निकलूंगा। चाचा जी आप भी हो क्या, चाचा निकलिए, चाचा आप भी निकलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सारे चाचा है भाई, मारने बड़ा मजा आ रहा है। चाचा को ड्राइवर कैसे लड़खड़ा रहा है भाई, आराम से एक चाचा ने कवर ले लिया, चाचा खत्म। बंदे देख रहे हो भाई कितने सारे सिक्योरिटी वाले, और दिखने में सारे बंदे मेरे को केजीएफ वाले बंदे लग रहे हैं, पता नहीं यहाँ पे केजीएफ वाले बंदे क्या करने के लिए आकर के रखे हैं, कुछ तो है भाई, पता तो मैं लगा रहूंगा, बट भाई उससे भी ज्यादा अजीब बात ये लग रही है मेरे को, इतना सोना भाई बाला वालों के पास, ग्रीन गैंग वालों के पास, इम्पॉसिबल है। आप देख रहे हो पूरा आइलैंड सोने से भरा हुआ है, सोने की ट्रॉली से इतना सारा माल, कुछ तो गड़बड़ है भाई, इतनी ज्यादा बड़ी डील करी है इन बंदों ने, माल ही माल है, आप देख रहे हो, मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो गया भाई, इतना सोना, अरे भैया भाई क्या कर रहे थे तुम लोग, कहाँ से लाए थे इतना सारा पैसा, कुछ तो बात है। चलो फिलहाल तो देखो मैंने उनके ऊपर फेवर कर लिया, मैंने उनका सोना ढूंढ लिया, बट उससे बड़ी बात है ये सोना आया कहाँ से सारा का सारा, इतना पैसा कब से आ गया इस वाली गैंग पे, ड्रग्स बेच के इतना पैसा तो नहीं कमाया जा सकता क्या, इतना सारा सोना आप इकट्ठा कर लो, नहीं भाई ये इम्पॉसिबल चीज़ है, बंदों के हाथ में काफ़ी बड़ी चीज़ लगी है, कहीं ताजमहल का पानी तो नहीं पी लिया ना इन बंदों ने, नहीं नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, देखो वो मैं पता लगाऊंगा क्योंकि अभी वो चीज़ नहीं सूखती, बाबा ने बोला था ताजमहल आने लग रहा है, आया नहीं है आने लग रहा है, तो इसलिए मेरे को अभी भी थोड़ा टाइम है, इससे पहले भाई सच बदल जाए वो सपना मेरे को सब कुछ सही करना पड़ेगा। फिलहाल फोन कर दो बाला वालों को, बेटो फटाफट से आ जाओ, मैंने तुम्हारा सारा सोना ढूंढ लिया, एक आइलैंड की लोकेशन में भेज रहा हूँ, फेवर तुम्हारा मैंने कर दिया, अभी रिटर्न करने का टाइम तुम्हारा है, ठीक है। तो भाई बंदों को बोल के समझा देता हूँ सारी की बात। भाई मैं शहर में वापस आ चुका हूँ, मेरे पास अभी भाई कुछ मिलिट्री वाले बंदों का फोन आया है, अपने प्यारे भाइयों का मैंने काम कर दिया, बाला वाले और ग्रीन गैंग वाले बंदे बहुत ही ज्यादा खुश है, उनसे फेवर बाद में कभी ले लेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी, बट मिलिट्री वाले बोल रहे काफी जरूरी बात है ड्राइवर सर, हमने एक चीज देखी है काफी दूर पानी में, हमारे सबमरीन वाले बंदों ने हमें खबर करी है, तो जा करके बात करनी पड़ेगी भाई, मेरे को लगता है सबमरीन वाले बंदों ने ताजमहल तो नहीं देख लिया। मैं पहुंच चुका अपने मिलिट्री वाले भाइयों के पास में, तो मेरे प्यारे प्यारे चाचा फटाफट से मेरे को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दो। भाई मैंने बंदों से इन्फॉर्मेशन ले ली है भाई, काफी खतरनाक चीज लग रही है भाई, मेरे को लगता है मेरा शक बिल्कुल ठीक है,
ताजमहल टाइप की चीज ही इन्होंने पानी में देखी है, क्योंकि भाई ये बंदे सिर्फ इन्फॉर्मेशन वो बता रहे हैं जो कि दूसरे बंदों ने इन्फॉर्मेशन दी है, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि ताजमहल जैसी कोई चीज है पानी के काफी दूर। सबमरीन में आपको पता है भाई हमारी मिलिट्री के बंदे चारों तरफ फैल के रखे हैं, शहर के बाहर भी सबमरीन वगैरह में रहते हैं, परमानेंट उनकी वही ड्यूटी है। तो उन्होंने सबमरीन को भाई आपस में लेकर कहीं पे जा रहे होंगे, काफी दूर तक वो पहुंच गए तो उन्होंने देखा कोई एक चीज है जो काफी दूर है और गोल्ड कलर की है। तो फिलहाल बट भाई अगर वो चीज़ सच में ताजमहल ही हुई तो मतलब कि भाई वो काफ़ी पास आ चुके लॉस सैंटोस के, और सच में ही वो लॉस सैंटोस में आने के लिए तैयार है। मेरा सपना सच होने वाला है, इसका मतलब भाई मेरे को जल्दी से जल्दी सारा काम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ताजमहल की लोकेशन मिल चुकी है मिलिट्री वालों को, तो मैं एक काम करता हूँ इससे पहले वो लॉस सैंटोस में मैं उसको जाकर खत्म कर देता हूँ। भाई मेरे पास अभी लेसर का फोन आया है, माइकल फूफा जी मिल चुके हैं, फटाफट चलते माइकल चाचे का इलाज करते एक जगह पे कुछ बंदों के साथ में, पता नहीं वहाँ पे क्या करने में लगवाए। भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ भाई, यहाँ पे काफी बंदे खड़े हुए हैं, पता नहीं माइकल भाई इनको क्यों लेकर क्या है, क्या इनसे काम करवाएगा। और माइकल भाई देख लो यहाँ पे कुछ चीज देखने में लग रहा है, मेरे प्यारे माइकल पीठे क्या देखना चाहता है। कहीं माइकल को भी ये पता तो नहीं चल गया कि भाई साहब कोई चीज आने वाली है पानी में, कोई चीज है, क्योंकि देखो माइकल भाई काफी दूर की चीजें देखने की कोशिश कर रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो फिलहाल लगता है इसको ताजमहल की इन्फॉर्मेशन मिल तो नहीं गई। अरे माइकल बेटे टेंशन मत ले, अब भी करता हूँ तेरे बंदों को इलाज, फिर उसके बाद तेरे को देखूंगा मैं। तो चलो मेरे प्यारे प्यारे लाडले भाई, माइकल भाई कैसे हो? अरे भाई माइकल भागो, अरे भाई तो ये चीज तो मैंने पहली बार देखी, माइकल कहाँ जा रहा है, भाग करके तेरे को मैं नेता बना दूंगा, रुक तो सही। अरे मेरे पिंक 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 ये क्या हो गया, पिंक कुछ तो चीज है भाई, चल उसको बाद में देखूंगा। तो फिलहाल आगे माइकल भाई कहाँ पे जा रहे हो भाई? अरे रे रे माइकल फूफा जी भागे, दुब दबा करके भागे, कहाँ पे निकल गया, कौन सी गली में से निकल गया माइकल बदतमीज। अरे भाई सो पहली बार जिंदगी में मैंने ये चीज देखी कि माइकल मुझसे डर करके भागा, कि ट्रेवर आ गया भागो। अरे यार तो पतली गली से निकल गया। अरे माइकल बेटे कहाँ पर है भाई? माइकल फूफी मैंने देख लिया, माइकल फूफी हमारी इस तरफ से भागने की कोशिश कर रही है। तो फिलहाल पता नहीं भाई यहीं पे तो मैंने देखा था, अभी उसको चढ़ते हो। ओके भाई माइकल मेरे को मिल चुका है, आप देख रहे हो कैसे भागने की कोशिश कर रहा है माइकल। रुक जा भाई, कहाँ तक जाएगा देख, पैरों में गोली मार दूंगा मैं अगर बदतमीजी करेगा तो। बट फिलहाल नहीं, स्नाइपर नहीं, स्नाइपर का डैमेज बहुत ज्यादा होता है, ये बंदे के पैरों में गोली लग करके गड़बड़ हो जाएगी। माइकल भाई रुक जा यार, अपने दोस्त पर गोली चलाऊंगा, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, बट ये माइकल मान के नहीं दे रहा। माइकल भाई रुक जा प्लीज, सो सॉरी। तो फिलहाल देखो यार यही करना पड़ेगा रोकने के लिए। अरे भाई बड़ा दम है, फिर से खड़ा होकर के भागना शुरू कर दिया इसने। माइकल 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 कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा भाई? तू कहीं तक भी भाग ले, मैं भी तेरे को छोड़ने वाला नहीं हूँ। आजा आजा आजा, ये ले कर गोली खा ले फटाक से, कैसी लगी भाई? वैसे मैंने एक बात देखी, अगर आप काफी दूर से गोली चलाते हो तो उसका डैमेज काफी कम मारते हैं, तीन गोली लगी है। अगर मैं इसको पास से गोली मारता तो इसका डैमेज बहुत ज्यादा होता है, ऐसा क्यों भाई? गोली तो पास से भी वही निकलती है और दूर से वही निकलती है, अगर वो बंदे को लग जाएगी जाके तो असर तो उसको उतना ही करना चाहिए ना, बट अगर आप किसी को दूर से गोली मारोगे तो उसका डैमेज काफी कम होता है। तो फिलहाल मेरे प्यारे भाई चार गोली लगी, देखो यार मारना पड़ा, बट फिलहाल माइकल जिंदा है, ऐसा नहीं है कि मरा है क्योंकि मैंने सभी बॉडी शॉट्स मारे हैं। अरे रे 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 रे, चेले आ गए माइकल के, अरे पिटने काम कर रहा है भाई, बहुत मारूंगा। तो फिलहाल भाई फाइनली माइकल को मैंने फिर से पकड़ लिया, जो कि बहुत बड़ा खतरा मेरे को लग रहा था अपने उस ताजमहल को लेकर के। दोबारा से गैरेज में लेकर के चलता हूँ और करते हैं इसका इलाज, मतलब कि इसको वहीं पे बांध करके रखूंगा, बात ही खत्म है। माइकल सो सॉरी भाई, बट करना पड़ेगा। तो देखते हैं भाई आखिर ताजमहल को हम कैसे खत्म करेंगे। फिलहाल सपने में तो मैंने बहुत ही इजी तरीके से उसको खत्म कर दिया था, बस मैंने सीधा उसके ऊपर भाई फायर करा अपनी एलियन गन से और वो पानी में चला गया। काश यार ये वाला भी ऐसे ही खत्म हो जाए और ये किस्सा भाई हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि ना ही मेरे को उससे कुछ लेना है और ना ही मैं किसी को लेने दूंगा, बात ही खत्म है। माइकल भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो बस फिर भाई फिलहाल इस वीडियो को ये वीडियो कैसी लगी, सारी चीजें कैसी लगी, तो भाई अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर दो। अगर उसका आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी सागर वीडियो को लाइक कर लो, इस वीडियो के लाइक्स का एम है 20,000, जल्दी सागर से पूरा करा दो। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर फॉलो नहीं किया, उस पर भी फॉलो कर लो, उसका लिंक मेरा सर्च में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।